الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم शाबान का बाबरकत महीना चल रहा है। इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से नफली रोजे रखा करते थे। हजरत उसामा बिन जैद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितने शाबान के महीने में कसरत से नफली रोजे रखते हैं किसी और महीने में नहीं रखते, उसकी वजह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दालिका शहरुन यगफुरुन नास अन्हु बैन रजब व रमजान, कि शाबान एक बहुत बाबरकत महीना है, लोग उससे गफलत में हैं। वदारिका शहरुन तुरफाउ फीहि अल-आमालु इला रब्बिल आलमीन, और ये ऐसा महीना है कि उस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ उठाए जाते हैं, अल्लाह के हुजूर में पेश किए जाते हैं। फअहिब्बु अन युरफा अमली व अना सॉलिह, सो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाए उस वक्त मैं रोजे की हालत में हूँ, इसलिए मैं शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर उम्मत को दावत दी कि शाबान के महीने में हो सके तो ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखें ताकि रमजान के रोजों की अभी से प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और इरशाद फरमाई कि शाबान के आखिरी जो दो और तीन दिन है, दो या तीन दिन आखिरी, उन दिनों में रोजा न रखें। उसकी एक वजह उलमा ये बयान फरमाते हैं कि उन दिनों में थोड़ा आराम कर ले, क्योंकि फिर रमजान का पूरा महीना रोजे रखना है। इन दो तीन दिन अगर वो रोजे नहीं रखेगा तो पूरी ताकत के साथ रमजान के रोजे रख पाएगा, और अगर लगातार इन दिनों में भी रोजा रखेगा तो कुछ कमजोरी महसूस होगी, उसका असर रमजान के रोजों पर पड़ेगा। इसलिए कहा कि आखिरी दो तीन दिन के रोजे न रखें। इसके बारे में दूसरी एक वजह, बहुत अच्छी वजह उलमा ने यह बयान फरमाई कि हुजूर ने आखिरी दो तीन दिन रोजा रखने से मना क्यों फरमाया। ये हुजूर ने इसलिए मना फरमाया कि आखिरी यानी शाबान के आखिरी दो तीन दिन का रोजा रखना शरीयत की मंशा के खिलाफ, गोया कि इंसान उसके जरिए शरीयत के हुक्म में ज्यादती कर रहा है। शरीयत का तो हुक्म है रमजान के 29 या 30 रोजे रखना, और ये उससे पहले दो तीन रोजे रखकर 29 या 30 रोजों को बढ़ा रहा है, और ये शरीयत के खिलाफ। इसलिए कहा कि जितना हुक्म दिया गया उतना ही करना है, और जैसे करने को कहा गया उसी तरह करना है, ये होती है इबादत। इसलिए सेहरी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहरी में बरकत है, सेहरी का खाना खाया करो रोजे के वास्ते। जितना लेट सेहरी करेंगे, ताखीर करके सेहरी करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि कोई आदमी अगर सेहरी जो आखिरी वक्त है सुबह सादिक का, उससे दो तीन घंटे पहले ही सेहरी का खाना खा लेता है तो शरीयत के हुक्म में ज्यादती कर रहा है। कैसे? शरीयत ने उसको हुक्म दिया है रोजा शुरू करने का सुबह सादिक से लेकर, और ये उससे दो तीन घंटे पहले से ही सेहरी खा रहा है तो शरीयत के हुक्म के खिलाफ काम हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि सेहरी लेट करो,
आखिरी वक्त में सहरी खाओ। शरीयत का मंशा ये है, अपनी तरफ से रोजे की जो मिकदार है उसको बढ़ा दे। इफ्तारी के बारे में शरीयत ने हमें हुक्म दिया कि इफ्तारी में जल्दी करो, जैसे ही आफ्ताब गुरूब हो जावे आप इफ्तारी करो। अब अगर उस वक्त कोई आदमी 10-15 मिनट लेट करे कि नहीं भाई एहतियात 10 मिनट लेट करेंगे, कहा कि शरीयत के मंशा के खिलाफ, यह आदमी शरीयत के हुक्म में ज्यादती कर रहा है। कैसे? कि शरीयत का तो हुक्म था आफ्ताब गुरूब होने तक रोजा रखना है, और यहाँ आफ्ताब गुरूब हो गया तो अभी रोजा इफ्तार नहीं कर रहा है, रोजे को बढ़ा रहा है, कहा कि बेहतर नहीं, शरीयत में मंजूर नहीं। जैसा कहा गया, जितना कहा गया उसी तरह करो, ये काम सवाब का होगा। तो इस महीने में जितने हो सके रोजे रखे। अब 3-4 दिनों के बाद एक बहुत बड़ी रात आएगी 15वीं शाबान, जिसको हम कहते हैं शबे बरात। तकरीबन 17 सहाबाए किराम से इसकी फजीलत साबित है, इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि शाबान की कोई फजीलत नहीं है, 15 शाबान की कोई फजीलत नहीं, ऐसा कोई कह नहीं सकता, उसकी फजीलत साबित है। बहुत बड़ी रात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फरिश्ते आवाज देते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई मगफिरत मांगने वाला है, कोई हाथ उठाकर आज गुनाहों की माफी मांगेगा हम माफ कर देंगे, कोई दुनियावी दंदों में उलझा हुआ है, कोई है परेशान हाल, हम उनकी परेशानियों को दूर कर दें। हम बारहा दूसरों से कहते हैं दुआ दुआ करना अल्लाह आसान कर दे, दुआ करना अल्लाह आसान कर दे। अब ये मौका हमारे पास है तो हम हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तू खुद कह रहा है कि मांगो मैं दूंगा, मैं मांग रहा हूं तू दे दे, दुआएं कबूल हो। और अल्लाह जिस चीज का वादा करे वो कभी गलत नहीं हो सकता। कोई सियासी पार्टी ये वादा कर ले कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, तो हम लोग उनके वादों पर यकीन करके उनकी सरकार बना देते हैं, हालांकि फिर वो वादे पूरे होते नहीं। बिजली का बिल माफ कर देंगे, हम खुशी खुशी उनकी सरकार बना देते हैं, लेकिन फिर वो वादे पूरे नहीं होते। ये कोई सियासी पार्टी और सियासी जमात का वादा नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है। हुजूर ने अपनी जुबान से फरमाया है कि 15वीं शाबान को मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह की तरफ से फरिश्ते ऐलान करते रहते हैं, मांगो क्या मांगते हो, जो मांगेंगे आपको मिलेगा। अब 15 शाबान है, एक हमारा बहुत बड़ा दुश्मन शैतान है, वो जानता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे पूरे साल नमाज नहीं पढ़ी, चाहे कई कई महीनों तक अल्लाह की बारगाह में हाथ नहीं उठाए, दुआ नहीं की, लेकिन 15 शाबान है तो मियां भाई गुसल करके मगरिब से मस्जिद में जरूर आएगा, नमाज पढ़ने आएगा, इस रात में अल्लाह के सामने रोएगा। और अगर उसने हाथ उठाए और रो लिया तो मेरी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए शैतान चाहेगा कि ये बंदा किसी तरह न जावे, और अगर पहुंच भी जावे तो कुछ इबादतों में ऐसी चीजें मिक्स कर देगा, गड़बड़ करवा देगा, जिससे बजाय सवाब के गुनाह का मुस्तहिक हो जाएगा, बिगाड़ पैदा कर देगा। इसलिए शैतान से होशियार चौकन्ना रहे, कोई बिदअत कोई खुराफात की साथ के अंदर हम नहीं करें, शरीयत और सुन्नत से जो चीज साबित है वो हम उसी को करेंगे, क्योंकि शैतान हमारा अजली दुश्मन है, सीधे रास्ते से भी इंसानों को बहकाता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, मदरसे में पढ़ाने के वास्ते उनका तकर्रुर हुआ, पढ़ा रहे हैं, तनख्वाह भी उनकी नक्की हुई, पगार नक्की हुआ, उनके दिल में ख्याल आया कि पगार लेकर पढ़ाना ये तकवा के खिलाफ, हम पढ़ावे और फिर उस पर तनख्वाह ले पगार ले तो फिर इखलास कहाँ बाकी रहा। अब जाहिर बात तो बहुत बढ़िया है कि लिल्लाह पढ़ाना चाहिए बगैर पगार। इन्होंने अपने पीर को एक चिट्ठी लिखी, खत लिखा, कहा कि हजरत मेरा इरादा होता है कि तनख्वाह लेना छोड़ू, पगार लेना छोड़ू।
लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं वो शैतान को और उसकी चालाकियों को जानते हैं। हजरत ने जवाब में लिखा कि आप तनख्वाह जरूर लें, क्योंकि आपने अगर तनख्वाह और पगार लेना छोड़ दिया तो धीरे धीरे आपके अमल में कोताही और सुस्ती आएगी। आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं पगार तो लेता नहीं, वक्त पर गया तो अभी क्या, और नहीं गया तो अभी कोई क्या पूछेगा, मेरे को पगार तो मैं लेता नहीं, मैं तो लीला पढ़ाता हूं। धीरे धीरे जिम्मेदारी क्या है, पाबंदी क्या है, उसका एहसास दिमाग से निकल जाएगा और एक वक्त वो आएगा कि तुम पढ़ाना ही छोड़ दोगे कि यहां कुछ लेना ही नहीं है, फिर क्यों पढ़ा रहे। ये होता है शैतान। इसलिए कहा कि आप तनख्वाह लें, और यही इखलास, और इखलास की दलील और अलामत भी बताई कि आपके दिल में ये ख्याल है कि अगर दूसरी जगह यहां 500 रुपये तनख्वाह मिलती है, दूसरी जगह 700 मिले तो आप वहां चले जाएंगे। कहा कि नहीं, मेरे दिल में ये ख्याल तो नहीं है कि 500 के बजाय 700 मिल जाए तो वहां चला जाऊंगा। कहा कि यही इखलास, आप अल्लाह के वास्ते ही पढ़ा रहे हैं, पगार के वास्ते नहीं पढ़ा रहे। इसलिए आप पगार लेना ना छोड़े, पगार लेकर पढ़ाए। शैतान बड़ा होशियार और चालाक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक आदमी हजरत के पास आया और कहा कि हजरत, मैंने जंगल में एक जगह खजाना दफन किया था लेकिन वो जगह भूल गया कि कहाँ दफन किया था। आप कोई तरीका बताएं कि मुझे वो जगह मालूम हो जाए, याद आ जाए। इमाम साहब ने फरमाया, कोई कोई मसला तो है नहीं कि मैं तुझे जवाब दूँ, लेकिन एक हीला और तरीका बताता हूँ। आप एक काम करें, रात को पूरी रात इबादत में गुजार दें, इंशाल्लाह आपको वो जगह याद आ जाएगी। ये बंदा रात को इबादत में मशगूल हो गया, अभी तो थोड़ी देर इबादत में गुजरी थी कि उसको याद आ गया कि फूला जगह मैंने दफन किया है। गया और उसने अपना खजाना निकाल लिया। दूसरे दिन हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि हजरत, मैंने तो अभी इबादत शुरू ही की थी कि थोड़ी देर में खजाना तो मुझे मिल गया। इमाम साहब मुस्कुराए और कहा कि इसीलिए मैंने तुझे तरीका बताया था, मैं जानता था कि शैतान हरगिज इस बात को पसंद नहीं करेगा कि तेरी पूरी रात इबादत में गुजरे, इसलिए उसने तुझे खजाने की जगह बता दी लेकिन नमाज और इबादत से रोक दिया। तुझे करना यह चाहिए था कि बाकी तिहाई रात जो खजाना मिल गया उसके शुक्रिया में तू इबादत में गुजार देता। तो शैतान शैतान है, अलग अलग तरीकों से लोगों को गुमराह करता है। इसलिए 15वीं शाबान की रात जब आएगी, मंगल और बुध के बीच वाली रात, तो फिर कुछ बिदाते कुछ रस्म और रिवाज हमारे सामने आएंगे कि भाई शबे बारात है तो हलवा तो बनाना ही पड़े, हलवा ना पकाए तो वो शबे बारात नहीं केवल। बहुत सी जगहों पर आतिशबाजी होती है, पटाखे फोड़ते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये लोग इबादत में मशगूल रहे, वो चाहता है कि इनको दूसरे धंधों में लगा दे। तो शैतान की चालाकियों से, उसके हरबों से, उसके धोखे और फरेब से चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। इस रात को गनीमत समझे और मगरिब से लेकर फजर तक की नमाजें तकबीर उला के साथ पहली सब में पढ़े, ऐसी कोशिश करें, हो सके पूरी रात इबादत करें। इबादत में असल में तन्हाई की इबादत, तन्हाई की इबादत के बंदा तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अपना कनेक्शन जोड़े, अपनी दिल की बातें तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रखे। इज्तिमाई इबादत नहीं है। इज्तिमाई इबादत के लिए तो ये 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई है जमात के साथ, उसके बाद जितनी नफल नमाजें हैं और जितनी सुन्नत है सब आपको तन्हा पढ़ो, तो सब जमा हो फिर उसमें बातें शुरू होती है और असल जो काम होता है वो छूट जाता है। इबादत, नमाजों का अहतमाम, कुछ सदका खैरात करें, इसी तरह कुरान करीम की तिलावत कुछ कर दे। कब्रिस्तान जाना उस रात में जरूरी नहीं है, न भी जाए तो भी चलेगा, आप यहां से भी सारे सवाल कर सकते। कई सालों से हमने ये रूटीन बना रखा है कि शबे बारात को रात को कब्रिस्तान जाना है और फिर घर आके सो जाना है। आप यहाँ से भी इशारे सवाब कर सकते हैं, मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआएं कर सकते हैं।
लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना वक्त ये रात इबादत में गुजरे उसकी कोशिश करें, उसकी फिक्र करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको शैतान दूसरे कामों में लगा दे कि भाई चलो बहुत सारे साथी जमा होंगे तो कुछ अच्छा खाना भी हो जाओ, बड़ी रात है, चिकन का या पाटिए का कोई प्रोग्राम सेट कर ले, फिर वो इबादत साइड पर रह जाए। और शैतान यही चाहता है कि आप लोग इबादत न करें, आप दूसरे कामों में लग जाए। मैंने कल भी साथियों ने सुनाया था कि शैतान क्या चाहता है कि आदमी ये नहीं तो दूसरा कोई भी गुनाह कर ले, जरूरी नहीं कि ये करे, कोई भी गुनाह कर ले लेकिन अच्छे काम से निकल जाए। एक मस्जिद में एक जमात बैठी हुई थी, जिक्र में मशगूल थी, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। शैतान ने चाहा कि जिक्र से इनको रोक दे, वो उनके पास जाने लगा तो फरिश्ता ने उसको रोक दिया, इसलिए वो उनके पास नहीं पहुंच सका। उस जमात के बाजू में दो आदमी फारिग बैठे थे, जिक्र में नहीं थे, बिल्कुल फ्री बैठे थे। शैतान ने इन दोनों के अंदर लड़ाई करवा दी। अब मस्जिद में दोनों लड़ने लगे, जोर जोर से आवाज आने लगी, तो वो जो जिक्र में बैठे थे उन्होंने कहा कि चलो अपने साथी लड़ रहे हैं उनको छुड़ाते हैं, तो सब जिक्र छोड़कर उनको छुड़ाने आ गए। शैतान खुश हो गया कि मेरा काम हो गया, उनको जिक्र से रोकना था वो रुक गए। ये शैतान के हरबे हैं, इसलिए आने वाली रात को गनीमत समझे। वैसे तो ये पूरा महीना बहुत बाबरकत है, जैसा शुरू में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कसरत से नफली रोजे रखते थे, कज़ा रोजे जिनके जिम्मे बाकी है वो भी रख ले। मैं आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे जो रोजे कज़ा हो जाते, औरतों को कुछ मसले होते हैं जिसमें वो रोजा नहीं रख सकती, उसकी वजह से कज़ा हो जाते थे, तो चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ज्यादा रोजे रखते थे तो मैं भी साथ में अपने छूटे हुए रोजे रख लेती थी, तो जिम्मे बाकी हो अपने जिम्मे में रोजे तो उसकी कजा कर लो। बहरहाल आने वाला महीना, आने वाली रातें, दिन सब बहुत कीमती है। अपने आखिरत बनाना कोई चाहे आदमी तो बना सकता है, अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करना चाहे तो आसमानों से ऐलान होंगे। इन चीज़ों को गनीमत समझें और खूब इबादतों में लग जावे और रमज़ान की प्रैक्टिस सभी से शुरू करें।